हेलो गाइस, मैं हूं रयान। आज की वीडियो में चार बहुत ही कमाल की ऑफ रोड कार्स के बीच में मैं फाइट कराने वाला हूं। दो तो मेरे पास ट्रैक्सेस की कार्स है, जैसे कि देख सकते हो ये ट्रैक्सेस हाई ट्रेल ट्रक, ये ट्रैक्सेस ब्रॉन्को, ये भी ट्रैक्सेस की है। ये तो आपको पता होगा इस मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट आरसी थार है। इसका साइज तो आपको पता होगा ये कितनी ज्यादा बड़े साइज की है। दिखने में कंप्लीटली रियल थार जैसी दिखाई देती है। आज मैं ये वाली US मिलिट्री जीप भी खरीद के लेके आ चुका हूँ फाइट कराने के लिए। इसके अंदर है 550 सीरीज की मोटर, 22 टीथ की मोटर इसके अंदर मिलती है। ब्रॉन्को के अंदर दी गई है 550 की मोटर, पर इसके अंदर 22 टीथ वाली मोटर मिलती है। इस वजह से इसके अंदर टॉर्क बहुत ज्यादा दिया जाता है। जैसे हम इसको चलाएंगे ना यार, ये एकदम विली मार के भागने लगती है। बाकी इसके अंदर भी देखोगे 550 की 35 टीथ वाली मोटर देखने को मिलती है। इस वजह से इसके व्हील्स भी काफी बड़े साइज के है और इसकी हाइट तो यार सभी कार से बहुत ज्यादा दी गई है। मोटर का साइज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही 550 35 टीथ मोटर, इसके अंदर रॉक हॉबी की मोटर दी गई है। ये इसकी रिचार्जेबल बैटरी है, 3S की बैटरी इसके अंदर भी डालनी पड़ती है, 3S की बैटरी इसके अंदर, और इसके अंदर भी 3S बैटरी दी गई है। अगर मैं यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो गाइस सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा कड़क बिल्ड क्वालिटी मेरे को आरसी जीप की लगती है। उसके बाद ब्रॉन्को का नंबर आता है, उसके बाद थार का नंबर आता है। एक बार इसका हार्डवेयर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ब्रॉन्को का भी हार्डवेयर दिखा देता हूं। यहां पे मैंने इसके अंदर बैटरी लगा दी है। इस कार के अंदर सबसे खास चीज है ये, देख लो गाइस, बहुत सारे इस तरीके के छोटे छोटे सर्वोस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर डिफरेंशियल लॉक दिया जाता है। इस तरीके के डिफरेंशियल लॉक जो है एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग में बहुत ज्यादा काम आते हैं। इसके अंदर भी आपको डिफरेंशियल लॉक्स दिए गए और साथ में इसके अंदर भी डिफरेंशियल लॉक्स दिए गए, ये भी मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे मोटर है, 21 टीथ मोटर इसके अंदर भी दी गई है। यहाँ पे इसके अंदर भी तीन डिफरेंशियल लॉक्स आपको देखने को मिलते हैं। जीप के अंदर डिफरेंशियल लॉक नहीं दिया गया है, ना तो थार के अंदर डिफरेंशियल लॉक दिया गया है। अगर टायर्स की बात करूं तो क्लियरली ये वाली कार के टायर्स इन सब के मुकाबले में काफी ज्यादा बड़े साइज के हैं और इसके टायर्स बहुत ज्यादा अलग हैं इन सभी कार्स के मुकाबले में। थोड़े से छोटे टायर्स दिए गए और ये बहुत ज्यादा स्लीक भी है इन सभी कार्स के मुकाबले में। इसका प्राइस है 65,000 रुपीस, इसका प्राइस है 85,000 रुपीस, इसका प्राइस है 75,000 रुपीस और इसका प्राइस है 56,000 रुपीस। देखते हैं आज जीप किस तरीके से ऑफ रोडिंग कर पाएगी। चलो गाइस फटाफट से इन सभी के बीच में मैं कराने वाला हूँ फाइट। देखेंगे आज रेस में कौन जीता है, पुशबैक में कौन जीतता है। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले थार का ऑफ रोड में मैं ड्रिफ्ट टेस्ट करने वाला हूँ। देखते हैं गाइस, मैं अगर इसको हाई स्पीड में चलाऊंगा तो ये कितनी अच्छी तरीके से चलेगी। इसको मैं बहुत ज्यादा जिगजैग मोशन में चला रहा हूँ, कार बिल्कुल भी पलट नहीं रही है, एकदम बैलेंस में रह के चल रही है। आप देख सकते हो गाइस, मैंने फुल ट्रिगर दबा के रखा है, फिर भी कार एकदम मस्त तरीके से चल रही थी। अब थार के साथ हाई ट्रेल ट्रक का ड्रिफ्ट टेस्ट मैं करने वाला हूँ, देखते हैं दोनों में से कौन जीता है। दोनों को मैंने फुल स्पीड में जिगजैग मोशन चला के देखा है, क्लियरली यहाँ पे हाई ट्रेल ट्रक पलट चुकी है जैसे ही मैंने इसको टर्न कराने की कोशिश की है। तो थार देखो गाइस अभी भी हाई स्पीड में बहुत अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट कर सकती है। एक और बार मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो गाइस ये कार की हाइट ज्यादा होने के कारण जैसे मैं इसको ड्रिफ्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये थोड़ी दूर जाने के बाद पलट रही है। तो क्लियरली ड्रिफ्ट टेस्ट में हमारी थार जीत चुकी है। थार की अब ड्रिफ्ट टेस्ट करते हैं अपनी जीप के साथ, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। दोनों को ही मैं बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से यहाँ पे चला रहा हूँ और दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट करके चल रहे हैं। पर थार को यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज ज्यादा है क्योंकि इसके व्हील्स ज्यादा चौड़े दिए गए, इस वजह से इसको ग्रिप भी अच्छी मिल रही है और ये बहुत ज्यादा बैलेंस में रह के चल रही है। जीप को भी आप कम मत समझना गाइस, जीप भी बहुत अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट कर सकती है। अब एक काम करते हैं, दोनों के बीच में जंगल वाली रेस लगाते हैं, देखते हैं गाइस यहाँ पे कौन जीतता है। जीप तो आराम से क्लाइंबिंग कर चुकी है, थार थोड़ा सा पलट गई थी, इसका बोनट भी ओपन हो चुका था। वापस से दोनों के बीच में रेस स्टार्ट हो चुकी है। अब दोनों के अंदर मैं फुल स्पीड बढ़ाने वाला हूँ। जैसे ही मैंने फुल स्पीड बढ़ाई है थार को एडवांटेज मिल चुका है, काफी ज्यादा आगे भी निकल चुकी है। यहाँ पे बहुत ज्यादा घास है, फिर भी देखो गाइस दोनों कार्स एकदम मस्त तरीके से चल रही है। क्लियरली यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि थार काफी ज्यादा तेज है जीप के मुकाबले में और थार बहुत ज्यादा आसानी से रेस को जीत भी चुकी है। यहाँ पे क्लाइंबिंग भी आ चुकी है, दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से क्लाइंब करके निकल चुके हैं यहाँ से। ओ माय गॉड, मेरे को लगा था गाइस दोनों के बीच में यहाँ पे टाई होगा, पर थार ने जीप को हरा दिया है रेस में। अब रेस होने वाली है थार वर्सेस हाई ट्रेल ट्रक के बीच में। सबसे पहले इन दोनों को ये बड़ी सी
पहाड़ी के ऊपर से चढ़ना होगा। यहाँ पे 70 डिग्री की क्लाइंबिंग है, दोनों को इकट्ठा में चढ़ा रहा था, उतने में ही धार लुढ़क के नीचे आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हाई ट्रेल ट्रक के अंदर डिफरेंशियल लॉक्स होने के कारण ये बहुत ज्यादा स्मूथली ऊपर चढ़ चुकी है। एक और बार धार को चढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, देखो सेम दिक्कत, ये पलट के नीचे आ चुकी है। TRX 4 के अंदर डिफरेंशियल लॉक ऑन किया था, वो प्रॉपर तरीके से चढ़ गई थी। जब मैंने इसको दो बार भी चढ़ा के देखा तो यार ये बार बार नीचे लुढ़क के आ रही थी। ठीक है, दोनों के बीच में रेस को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी झाड़ियां आने वाली है। ओह माय गॉड, हाई ट्रेल ट्रक इन झाड़ियों के अंदर फंस के रह गई है। ये बहुत ही ज्यादा सूखी झाड़ियां है, देखो झाड़ियों ने इसको पूरी तरीके से लपेट लिया है। वहीं दूसरी तरफ थार एकदम परफेक्टली चल रही है, इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियों में से भी मेरे को नहीं लगा था कि गाइस ये इतनी दूर जाएगी। पर भाई ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कार है, अब यार इसको मेरे को जैसे तैसे करके निकालना पड़ेगा। पूरे टायरों के ऊपर ये झाड़ियां लिपट चुकी है। अभी थोड़ा सा मैं रिवर्स लेके इसको निकालने की कोशिश करूंगा, तो देखो गाइस अब ये यहां से निकल चुकी है। अब थार की मैं रेस कराने वाला हूँ फोर्ड ब्रॉन्को के साथ, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। ब्रॉन्को बहुत ज्यादा तेज है भाई साहब, देख रहे हो कितनी दूरियां निकल चुकी है। यहाँ पे फोर्ड ब्रॉन्को की ग्राउंड क्लियरेंस थार से भी ज्यादा कम है, इस वजह से अगर मैं इसको हाई स्पीड में भी चला रहा हूं तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल चल रही है। वहीं दूसरी तरफ थार का जो सस्पेंशन है ये थोड़ा सा हार्ड दिया गया, इस वजह से ऑफ रोड चलने में इसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। वहीं फोर्ड ब्रॉन्को बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है, इसको तो यार मैंने ड्रिफ्ट करा के भी देखा है, ये बहुत स्पीड में ड्रिफ्ट भी कर रही थी बिना पलटे। क्लियरली यहाँ पे सबसे ज्यादा फास्ट और सबसे ज्यादा स्टेबल फोर्ड ब्रॉन्को चल रही है। अब मैं पुशबैक कराने वाला हूँ थार वर्सेस जीप के बीच में, देखते हैं इस दोनों में से कौन सी कार है सबसे ज्यादा पावरफुल। बहुत ही खतरनाक चीज पॉइंट होगी दोनों के बीच में। चलो, जीप ने पूरी तरीके से थार को रोक रखा है, पर थार ने धीरे धीरे करके जीप को पीछे ढकेलना चालू कर दिया है। अभी भी जीप ने इसको जैसे तैसे करके रोक रखा है। ओह माय गॉड, यहाँ पे जीप ने बाजी पलट के रख दिया और थार को दूसरी तरफ पलट दिया है। आप दोनों के बीच में देखो मैंने एक रस्सी को बांध दिया, आप कराते हैं टग ऑफ वॉर, देखते हैं गाइस टग ऑफ वॉर में दोनों में से कौन सी कार जीतती है। चलो, इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर काफी ज्यादा टफ होने वाला है ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि दोनों के अंदर सेम पावर दी गई है, पर थार के व्हील्स थोड़े से ज्यादा चौड़े होने के कारण यहाँ पे इसको वापस से एडवांटेज मिलने लगी है। ये देखो गाइस, इसने जीप को खींचना चालू कर दिया है। क्लियरली यहाँ पे RC थार जीत चुकी है और जीप हार चुकी है। टग ऑफ वॉर में थार ने तो जीप को काफी आसानी से हरा दिया था, अब देखते हैं गाइस क्या थार अपनी ब्रॉन्को को हरा पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि ये ट्रैक्सेस की ब्रॉन्को है और ये थार के मुकाबले में काफी भारी भरकम कार भी है और इसके अंदर मोटर भी इसके मुकाबले में थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल मेरे को लगती है। दोनों का पूरी कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को खींच के हराने के लिए, दोनों के अंदर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन भी आ रहा है। मेरे को नहीं लगता कि दोनों में से यहाँ पे कोई भी हार मानने को तैयार है, दोनों के बीच में यहाँ पे टाई हो चुका है। अब कराते हैं पुशबैक, देखते हैं गाइस क्या थार ब्रॉन्को को हरा पाएगी या फिर नहीं। ओ माय गॉड, थार को आ चुका है बहुत ज्यादा गुस्सा, इसने तो ब्रॉन्को को ऊपर उठा लिया है भाई साहब, ये देखो पटक के भी रख दिया है। मेरे को लगा था गाइस वापस से दोनों के बीच में टाई होगा, पर थार ने यहाँ पे कमाल कर दिया है। गाइस आज थार के अंदर अलग लेवल की पावर आ चुकी है, क्योंकि इसके अंदर मैंने थोड़ी बहुत ट्यूनिंग कर दी थी, तो इस वजह से मेरे को लग रहा है कि भाई ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। अब देखते हैं गाइस क्या TRX 4 हाई ट्रेल ट्रक को ये हरा पाएगी या फिर नहीं, बहुत ही तगड़ी वाली फाइट होगी। अब थार को जब गुस्सा आता है तो यार इसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता है। ओ भाई साहब, क्या ही खतरनाक सा सीन था यार, मेरे को लगा था कि दोनों के बीच में टाई हो जाएगा या फिर हाई ट्रेल ट्रक इसको हरा देगी, पर यहाँ पे सीन पूरी तरीके से पलट चुका है, थार ने वापस से इसको भी हरा दिया है। अब टग ऑफ वॉर कराते हैं गाइस, टग ऑफ वॉर में पूरा एडवांटेज यहाँ पे हाई ट्रेल ट्रक के पास है, क्योंकि इसके व्हील्स थार के मुकाबले में काफी बड़े साइज के भी है और इसके ऊपर ग्रिप भी ज्यादा दी गई है, तो यहाँ पे हाई ट्रेल ट्रक पूरी कोशिश कर रही है थार को खींचने के लिए, पर आपको पता होगा थार कितनी ज्यादा पावरफुल है। ओ माय गॉड, यहाँ पे हाई ट्रेल ट्रक ने इसको खींचना चालू कर दिया है, थार ने आखिरकार हार मान ली यार हाई ट्रेल ट्रक के सामने। पर देखो फिर भी इसको धीरे धीरे करके रोकने की कोशिश कर रही है, पर मेरे को नहीं लगता गाइस इसके सामने टिक पाएगी। क्लियरली यहाँ पे हाई ट्रेल ट्रक जीत चुकी है थार से। यहाँ पे इस तरीके का मलबा गिरा हुआ है, तो देखते हैं गाइस कौन सी कार ये इतने खतरनाक से मलबे के ऊपर चढ़ पाएगी। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले शायद यूज करते होंगे, तो खराब होने के कारण उन लोगों ने इसको यहाँ पे फेंक दिया है, तो देखते हैं यार कौन सी कार चढ़ेगी। देखो ये बहुत ज्यादा शार्प है, टायर्स भी हमारी कार के फट सकते हैं इसको लगने के कारण,
फिर भी मैं यहाँ पे रिस्क लेके अब इनको चढ़ा के देखने वाला हूँ कि कौन सी कार चढ़ती है। कोई भी कार को यहाँ पे चढ़ाना बहुत ज्यादा रिस्की चीज है, फिर भी देखते हैं गाइस कौन सी कार ऊपर चढ़ पाएगी। यहाँ पे थार पूरी कोशिश कर रही है ऊपर चढ़ने के लिए, ये थोड़ा सा ही चढ़ पाई है। थार इससे ज्यादा ऊपर तक नहीं चढ़ पा रही है क्योंकि इसके व्हील्स यहाँ पे स्लिप होने लगे हैं। पूरी कार्स को टेस्ट करते हैं गाइस, इसके प्लेस में लेके आते हैं ट्रैक्सस ब्रॉन्को को, देखते हैं गाइस क्या ट्रैक्सस फोर्ड ब्रॉन्को यहाँ पे चढ़ पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी डिफरेंशियल लॉक्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे डिफरेंशियल लॉक्स को मैंने ऑन कर दिया है, कार को प्रॉपर तरीके से ग्रिप मिलने लगी है। देखो गाइस काफी आराम से ये सेंटर तक पहुंच चुकी है, अब इसको जस्ट थोड़ा सा ऊपर पहुंचना है, उसके बाद यहाँ से ये निकल जाएगी। ओ माय गॉड, ये थोड़ा सा एक तरफ लीन हो चुकी थी, जैसे यहाँ पे मैंने फुल ट्रिगर दिया है रिमोट के अंदर ये यहाँ से निकल चुकी है। यार मेरे को नहीं लगा था कि भाई यहाँ से ये जरा सी भी निकलेगी, पर इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि देखो गाइस ये इतने खतरनाक मलबे में से भी निकल चुकी है। अब बारी है हाई ट्रेल ट्रक की, देखते हैं गाइस ये कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे चढ़ पाएगी। नो डाउट इसकी हाइट काफी ज्यादा है सभी कार्स के मुकाबले में, और इसको दिक्कत भी बहुत ज्यादा कम हो रही है। इसके डिफरेंशियल लॉक्स मैंने ऑन कर दिया है, डिफरेंशियल लॉक्स ऑन होती ही देखो गाइस इसके अंदर गजब की पावर आ जाती है, आराम से ये यहाँ तक चढ़ चुकी है। ओह माय गॉड, फिसल के नीचे भी आ चुकी थी, पर गाइस बिना कोई दिक्कत के इसने भी यार ये इतने खतरनाक मलबे में से अपने आप को साबित कर दिया है और ये भी यहाँ से निकल चुकी है। तो सभी कार्स में से मेरे को ट्रैक्सस की ब्रॉन्को बहुत ज्यादा कमाल की लगी। जब मैंने इसको ड्रिफ्ट करा के देखा तो ये बहुत अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट भी कर रही थी, इसकी स्पीड भी ज्यादा थी और ये बहुत अच्छे तरीके से क्लाइंबिंग भी कर रही थी। वैसे कैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको सभी कार्स में से कौन सी कार अच्छी लगी। चलो भी मैं देने वाला हूं शाउट आउट। पहला नाम है एमडी चांद, अर्जुन, शुभम, अभिषेक, उज्ज्वल, दानिश, मानिक, पिमुज, आर्या, यशवंत। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।